प्रेरितों के कामों का वर्णन 18वां अध्याय। इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिंथुस में आया और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। सो वह उनके यहां गया और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। और वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लोहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरुंथी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे कि यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियो, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहां की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सूर्या को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे, और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया, फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक ओर से गलतिया और फ्रूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए तो भाइयों ने उससे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा।